सर आपका माइक म्यूट है। देयर इज ऑलवेज ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन द सीसी कर्व डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। ये हमने अभी तक पहले भी क्लियर कर दिया था और अभी को अभी भी बता रहा हूँ। ओके चलिए अब हम बात करते हैं। चर्चा हम कर रहे थे, थोड़ा सा फ्लो ब्रेक हो जाता है जब बीच में मोबाइल से टीचिंग करने पर मैं रिकॉर्ड भी करने के चक्कर में मोबाइल की रिकॉर्डिंग अच्छी हो जाती है। चलिए तो मैं चर्चा कर रहा था कि अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं बेटा, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड महत्वपूर्ण तो है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड के हम अभी कंपोनेंट को पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग इक्विलिब्रियम तक नहीं आ रहे हैं, वो इनकम क्या है वो पूरी तस्वीर आपके सामने नहीं आ रही। अभी हम केवल चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि जिन्स ने जो कहा कि एग्रीगेट डिमांड इंपॉर्टेंट है, ये आपके सबके दिमाग में आया कि नहीं आया पहले बता दो। पहले बताइए कि आपके सबके दिमाग में ये बात बैठी कि एग्रीगेट डिमांड, यस एग्रीगेट डिमांड इज इंपॉर्टेंट, जो किन्स ने कहा कि एग्रीगेट डिमांड ही सोल्यूशन है, क्योंकि तो डिमांड बढ़ेगी ठीक है, जबकि लोगों के पास परचेजिंग पावर होगा, जब तो लोगों के पास जब पैसे होंगे तो वो डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो जो सामान बचा हुआ है वो बिक जाएगा। ये बात एग्री करते हो कि नहीं करते हो बताओ, सर ठीक है? इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट को, आपने देख लिया है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, और अब हम ये बता रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड का जो कंपोनेंट है उसमें दो कंपोनेंट को हमने हटा दिया, जो कि फोर्थ सेक्टर मॉडल और ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं, दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर और नेट एक्सपोर्ट्स। ओके इज इट राइट? ओके बोलो भाई, क्यों क्यों हटा दिया? क्योंकि हमारे सिलेबस में टू सेक्टर मॉडल है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। ये बात समझ में आ रही बेटा? बोलो। यस सर यस ये भी सर हम बताना चाह रहे हैं कि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई है, तो हमने ये बता दिया आपको कि सी का नेचर क्या है, मतलब सी का जो इक्वेशन है वो बता दिया आपको, स्ट्रेट लाइन को हमने कॉपी किया है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और वहां से किस ने स्ट्रेट लाइन ही क्यों लिया, क्योंकि अगर वो कर्व्ड लाइन होता तो उसका इम्पैक्ट क्या होता, कर्व्ड लाइन होने से वो उसका मेजरमेंट हर पॉइंट पर अलग अलग होता, कैलकुलेशन में डिफिकल्टी हो जाती ठीक है, तो उन्होंने स्ट्रेट लाइन लिया, और स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि स्लोप जो है कॉन्स्टेंट है, मतलब एमपीसी की वैल्यू को उन्होंने कॉन्स्टेंट में लिया। इतना समझ में आ रहा है बेटा? बोलिए। यस सर बस मैं जितना बता रहा हूं उतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा होगा, क्योंकि तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबसे अधिक मार्क्स इससे हैं ठीक है, और एग्जाम में आने वाला है या आएगा ही है। ओके और बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण, समझ रहे हो मेरी बात? तो अब हम देख रहे हैं कि सी इज इक्वल टू, हमने देख लिया सी के उसको देख लिया हम लोगों ने कि सी का इक्वेशन क्या है, सी बार प्लस बी वाई। ओके अब हम देख रहे हैं कि सी का हमने नेचर एक इक्वेशन देख लिया, और इसके बाद हम आई को हम देख चुके हैं। आई क्या है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और जिसको हमने पिछले क्लास में अगर आप आए थे तो आपको याद होगा, नहीं तो आप वीडियो में देख लेना कि आई का नेचर क्या है। वो एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल है ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। वो एक्स एक्सिस के पैरेलल क्यों है? वो इसलिए है कि इनकम के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। यह ऐसा इसलिए है क्योंकि यह ऑटोनोमस है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, इरेस्पेक्टिव ऑफ इनकम लेवल ठीक है। ये किन्स ने माना, क्यों माना? क्योंकि जब रिसेशन का समय है तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जरूरी है कि कोई ना कोई इंसेंटिव हो, कोई ना कोई प्रॉफिट का एंगल हो, लेकिन जब बना हुआ माल बिक नहीं रहा है, अनसोल्ड स्टॉक है, तो कौन सा प्रोड्यूसर फर्दर इन्वेस्टमेंट करेगा? कोई नहीं करेगा। एग्री और डिसएग्री बताइए। ओके तो कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कौन भाई इकोनॉमी की स्थिति को कौन बदलेगा? अब आप आज के पेंडेमिक से तुलना करो, गवर्नमेंट जगह जगह एक्सपेंडिचर कर रही है, गवर्नमेंट लोगों के डीए को रिलीज कर रही है, गवर्नमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रही है, और जगह जगह मजदूरों के लिए या कह लो कि जनधन अकाउंट के थ्रू किसानों को और बाकी लोगों को पैसा देने का प्रयास कर रही है। ये एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का ठीक है, ये ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर का नेचर है,
इसमें गवर्नमेंट को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन गवर्नमेंट दे रही है लोगों को कि परचेजिंग पावर आपके हाथ में आए, आपकी डिमांड बनी रहे, ताकि जो ये फुल्ली इकोनॉमिक रिसेशन अमेरिका की तरह नहीं है। हमारे यहाँ तो स्कूल से कॉल आ गया आज तो गजब हो गया, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो स्थिति सप्लाई साइड से भी प्रॉब्लम होता है, डिमांड साइड से प्रॉब्लम होता है। खैर, अभी हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। अब हम कंजम्पशन का जो कर्व है, कंजम्पशन जो है उसके हम प्रोपेंसिटी को देख रहे हैं कि उसमें वो कितने टाइप का होता है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप ध्यान से देखेंगे हमारे पास। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक हम फ्लैशबैक और रिवीजन टाइप का मैं कर रहा था आपको, ताकि आप लोग बिल्कुल तरोताजा फील करें। टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, देयर आर टू टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के दो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट इन द सेंस कि अगर उसका देखो, आप उसका ग्राफ देखो, उसके एक्सप्रेशन को देखो, उसमें होने वाले चेंजेस को देखो, ठीक है, तो वो हमारा टेक्निकल एस्पेक्ट होता है। मतलब उसमें एक गुंजाइश है उसको समझने की, एक साइंटिफिक और मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन की गुंजाइश यहाँ बन जाती है, ठीक है। तो देयर आर टू टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब कंजम्पशन के जो दो प्रकार हैं, पहला क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, जिसको हम एपीसी कहते हैं। एपीसी और एमपीसी के का बीच का जो डिफरेंस है, ये 3 मार्क्स का एक सॉलिड क्वेश्चन बनता है, इसको आप लोग तैयार रखेंगे, ठीक है, हर एग्जाम के लिए आप इसको तैयार रखेंगे। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी, दूसरा क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल मतलब स्मॉलेस्ट चेंज, मार्जिनल चेंज, देखिए आपके नोटबुक में मार्जिन होता है ना, तो बिल्कुल वो एक स्मॉलेस्ट चेंज की तरफ बताता है, ठीक है, पूरे पेज का मार्जिन एक बहुत छोटा हिस्सा होता है, तो वो क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब जो कंजम्पशन की जो तीव्रता है, मतलब स्मॉलेस्ट चेंज इन इनकम लीड्स टू द चेंज इन कंजम्पशन, उसको जो मेजर करता है वो मार्जिन होता है। और जो एवरेज की बात कर रहा है, टोटल कंजम्पशन, ठीक है, डिवाइड बाई टोटल इनकम। अब आपके सामने देखिएगा इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, मतलब इनकम के अलग अलग लेवल पर, जो मैं बोल रहा हूँ अलग अलग लेवल पर, उसको हम अभी ग्राफ से दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग मतलब उससे संबंधित, इनकम का लेवल बढ़ा तो उससे बढ़े हुए लेवल से कंजम्पशन क्या है, और बढ़ा उस लेवल पर कंजम्पशन क्या है, इसकी क्लैरिटी अभी और आपको आगे मिलेगी। तो एपीसी का फॉर्मूला क्या हुआ, सी बाय वाई कंजम्पशन बाय इनकम। अब इसको देखो, न्यूमेरिकल ले लिया, एग्जांपल उन्होंने ले लिया, इफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज ₹70 करोड़ एट ए नेशनल इनकम ऑफ ₹100 करोड़, देन एपीसी की वैल्यू क्या हो, सी बाय वाई 70/100 और 0.70, उसको परसेंटेज टर्म में जब कन्वर्ट किया तो हो गया 70%। 70% को अगर आप लिखोगे तो 70/100 लिखोगे तो वो 0.70 हो जाएगा, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जिसको मैं कह रहा था वही अब आ गया डायग्राम के रूप में और टेबल के रूप में। अगर आप डायग्राम को देखो, ठीक है, इसके बाद हम टेबल की भी व्याख्या करेंगे। आप देखो एक्स और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर हम ऑलवेज क्या लेते हैं बेटा, इनकम लेते हैं। देखो हमने इनकम लिया, शुभांकिता समझ में आ रहा बेटा, शुभांकिता शुभांकिता जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हिमांशु बेटा, अर्जुन, सुरजीत, यस सर आ रहा है। चलिए, तो ये हमारा एक्स एक्सिस, देखो हमेशा से इनकम लेते आ रहे हैं, बार बार इनकम ही बोल रहे हैं तो इनकम हम ले रहे हैं, ओके। अब हम देखो एक्स और वाई एक्सिस, ओके, तो एक्स और वाई एक्सिस पर अगर आप देखो तो क्या है, हमारा ये कंजम्पशन कर्व आप पहले ही देख चुके हो कि वो थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हुआ, क्या होगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से, ओके। तो ओके, समझ में आ रही मेरी बात, यस सर, यस सर बेटा, ओके। तो ये देखो कंजम्पशन कर्व, अब देखो हमने ए पॉइंट लिया है, स्क्रीन पर ए पॉइंट लिया, अब हम देख रहे हैं कि ए पॉइंट पर हमने एक्स एक्सिस पर इनकम लिया है,
एक्स एक्सिस पर इनकम है, तो ओ वाई वन लेवल है इनकम का, ओके। अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पर ओ एन लेवल है किसका, कंजम्पशन का, फाइन। तो सी ए लेवल पर हमारा एपीसी क्या हुआ, सी बाई वाई, तो सी कितना है ओ एन, तो ओ एन बाई ओ वाई वन, इसी को हमने लिख दिया टी बाई वाई, ओ एन बाई ओ वाई वन। समझ में आ रही बात, समझ में आया बेटा कि एपीसी आप कैसे निकालोगे। इसी तरह ए के नीचे भी कोई पॉइंट ले सकते हो और आप इसको बना सकते हो। समझ में आया, फिर से एक बार बता रहा हूं, हमने सी कर्व ड्रॉ कर लिया। सी कर्व जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जीरो लेवल पर एक के इनकम पर भी देयर इज अ समथिंग, सम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन विल ऑलवेज बी देयर, आर गेट योर पॉइंट। तो वो कंजम्पशन का जो लेवल है दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से सी जो है कर्व ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है। अब हमने क्या किया, सी कर्व को ड्रॉ कर लिया, ए पॉइंट एक मार्क कर लिया, ये बुक में वहां मार्क किया, उससे नीचे भी मार्क कर सकते हो, ऊपर भी मार्क कर सकते हो। ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर, तो हमको ओ वाई वन मिल गया। हम एक्स एक्सिस पर इनकम लेते हैं, दिखाई दे रहा है आपको इनकम इन करोड़ रुपीज, तो ओ वाई वन क्या हुआ, इनकम का लेवल हुआ। हम ए एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए वाई एक्सिस पर, तो हमको क्या मिल गया, ए एन मिल गया। ए एन क्या है, वो तो इनकम ओ वाई वन के बराबर ए एन है। अब हमने यहां से ओ एन मिल गया हमको, तो ओ एन जो लेवल है वो क्या, कंजम्पशन का है। तो ए पॉइंट पर हमारा एपीसी का वैल्यू क्या होगा, एपीसी इक्वल टू सी बाय वाई इक्वल टू ओ एन बाय ओ वाई वन। समझ में आया बेटा, समझ में आया, यस सर। अब इसी को देखो, अब हमारा क्या है, हमने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, उसी को हमने न्यूमेरिकल वैल्यू ले लिया, ठीक है। आपसे बोल दिया जाएगा कि टेबल बनाओ, हाँ ड्रॉ टेबल, हाँ टू शो एपीसी, ओके। तो आपने क्या किया, जीरो लेवल आप जानते हो वाई, देखो वाई पहला टेबल क्या है, पहला कॉलम वो वाई का है इनकम, इनकम जीरो हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड ये बढ़ता हुआ ले लिया है। इसके बाद कंजम्पशन, हम जानते हैं कि जीरो लेवल पर कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा, इसीलिए देखो सी कर्व ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसलिए देखो सी की वैल्यू 40 है, ओके। समझ में आ रही बात, और एपीसी क्या है, सी बाय वाई, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो वो अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए यहां हमने डैश मार्क कर दिया। ध्यान देना कि हमको जीरो लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन 40 है और एपीसी सी बाय वाई थर्ड कॉलम में देखो डैश मार्क किया हुआ है, तो डैश इसलिए मार्क किया हुआ है कि सी 40 डिवाइड बाय जीरो वो अनडिफाइंड हो जाता है मैथमेटिकली, इसलिए ये डैश मार्क किया है। गेट राइट, इट राइट, यस सर, ठीक है। अब देखो इनकम बढ़ा 100, कंजम्पशन 120 हो गया, इसकी वैल्यू क्या हुई, सी बाई वाई 120 बाई 100 1.20, 200 कंजम्पशन 200 हो गया, एपीसी सी बाई वाई तो 200 बाई 200 ये 1 हो गया। अब ये देखो 1 इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। जहां पर कंजम्पशन और इनकम बराबर हो जाते हैं वहां एपीसी की वैल्यू कितनी आती है, 1 हो जाती है, ओके okay? हाँ, और यही होता है हमारा क्या कहलाता है, ब्रेक इवन पॉइंट, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, पिछले लेसन में बताया था ब्रेक इवन पॉइंट, क्लियर क्लियर। अब देखो 300 हुआ, कंजम्पशन उतनी तेजी से नहीं बढ़ता है, इनकम जिस तेजी से बढ़ता है उस गति से हमारा कंजम्पशन नहीं बढ़ता है, पॉइंट तो क्या हो गया 280, देखो 300 इनकम हो गया एंड कंजम्पशन इज ओनली 280, तो अब देखो इसकी वैल्यू कितना है 280 बाई 300 0.933, मतलब एक से घट गई। देखो एपीसी की वैल्यू पहले एक से ज्यादा थी, एक हुई और फिर एक से घट गई और फिर वास्तव में घटने लगी 0.90। इसका मतलब क्या निकल के आता है कि एपीसी की वैल्यू एक से अधिक भी हो सकता है और एक से कम भी होगा, लेकिन निगेटिव कभी नहीं होगा क्योंकि सी कर्व देखो हमेशा पॉजिटिव साइड में, कर्व भी देखो पॉजिटिव साइड में है, इससे दोनों एक्सिस एक्स और वाई के बीच में है, ये दोनों पॉजिटिव एब्सिसा कहते हो मैथमेटिक्स में, जो मुझे याद आ रहा है, तो उसके बीच में, ठीक है। समझ में आया बेटा, yes, sir. चलो तो इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट एपीसी क्या निकल के आता है, एपीसी इज मोर देन वन, आपने देखा 1.20 मोर देन वन हुआ, एग्री एग्री, यस सर, ठीक है। एपीसी इज मोर देन वन,
एज लॉन्ग एज कंजम्पशन इज मोर देन नेशनल इनकम दैट इज बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट। एपीसी क्या होगा? मोर देन वन। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? जहां पर इनकम का इनकम कर जो जीरो, देखो मैं इसको पिछले से आपको दिखाता हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट मैंने पहले दिखा दिया था आपको। देखो ये है ब्रेक इवन पॉइंट, शुभांकिता देख लो बेटा, है ना, आप लोग रेगुलर नहीं आते हो तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। देखो ये ब्रेक इवन पॉइंट है, इनकम की जो लाइन है देखो ये वाई है, देखो ये वाई, देखो वाई दिखाई दे रहा है ना, ये इनकम है और ये कंजम्पशन। जहां इनकम की लाइन को कंजम्पशन की लाइन सीसी कट करती है वही हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। तो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले मतलब ट्रायंगल ओसीई ये जो है, यहाँ पर एपीसी ज्यादा होगा, सी की वैल्यू ज्यादा है। इसके बाद ई के बाद राइट साइड देखो, वहां पर जहां सेविंग लिखा हुआ है उस पूरे एरिया में इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन कम है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एपीसी की वैल्यू एक से कम होगी। वही पॉइंट देखो, यही चीज यहाँ लिखा जा रहा है बेटा। इसलिए रेगुलर क्लास में नहीं आओगे तो फिर टीचर को एफर्ट करना पड़ता है, ठीक है, और फिर मजा नहीं आता है क्लास में। एपीसी इज मोर देन वन एज लॉन्ग एज कंजम्पशन इज मोर देन नेशनल इनकम बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट एपीसी इज ग्रेटर देन वन। फिर देखो एपीसी इज इक्वल टू वन कहाँ होगा, एट द ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन इज इक्वल टू नेशनल इनकम सो एपीसी इज इक्वल टू वन एट द इनकम लेवल ऑफ 200। वो छोड़ दो क्योंकि उसने हमने टेबल के रूप में जो दिखाया था वहां पर आपको बताया भी 200 जब इनकम था तो कंजम्पशन भी 200 था टेबल में, ठीक है। एपीसी इज लेस देन वन बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट, जो सेविंग का एरिया था जो आपको मैंने दिखाया ई पॉइंट के राइट साइड, तो बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन इज लेस देन नेशनल इनकम एज अ रिजल्ट एपीसी इज लेस देन वन। तो एपीसी इज लेस देन वन किधर हो रहा है, एपीसी इज लेस देन देखो इधर हो रहा है, ये देखो एपीसी इज लेस देन इधर इधर हो रहा है, ये सेविंग का जो एरिया है ना इधर हो रहा है, एपीसी इज लेस देन वन। ई पॉइंट पर एपीसी इज इक्वल टू वन और ई पॉइंट के लेफ्ट साइड दैट इज दिस सेविंग का एरिया है, ट्रायंगल ओसीई का जो एरिया है इधर एपीसी इज मोर देन वन। क्लियर? डायग्राम से भी आपको बता दिया मैंने, ठीक है, बोलो भाई। यस सर। सुनना ना बेटा। यस सर। अब देखो एपीसी फॉल्स विद द इंक्रीज इन इनकम, ये तो बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है एपीसी की वैल्यू घटती जाती है। देखो इसको न्यूमेरिकली देखो, एपीसी पहले ज्यादा था फिर इनकम बढ़ा वन हुआ, इनकम और बढ़ा 0.933 हो गया, इनकम और बढ़ा 0.90 हो गया। क्लियरिटी आई? क्लियरिटी आई बेटा? यस सर। सुन आ रहा है बेटा? हाँ यस सर। हाँ तो एपीसी कैन नेवर बी जीरो, एपीसी जीरो नहीं होगा, इसको हमने पहले बताया था कि वो पॉजिटिव दिशा में है कि हमेशा ऑटोनोमस कंजम्पशन कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। एपीसी कैन बी जीरो ओनली व्हेन कंजम्पशन बिकम जीरो, समझ लो एपीसी जीरो कब होगा, जब कंजम्पशन जीरो हो जाए, ओके। सो हाउएवर कंजम्पशन इज नेवर जीरो एट एनी लेवल ऑफ इनकम, क्योंकि आपने देखा कि जीरो इनकम होता है तभी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता ही है ना बेटा, देखा कि नहीं देखा आपने, बोलो। यस। हाँ तो जीरो लेवल पर भी कंजम्पशन वो ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा, तो इवन एट जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम देयर इज द ऑटोनोमस कंजम्पशन सी बार, इज द ऑटोनोमस कंजम्पशन सी बार, इसलिए एपीसी कैन नेवर बी जीरो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एपीसी, ओके। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है और इसके लिए रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, अब हम आते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ओके। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको हम केवल हम डिफिनेशन और इसको देख लें, हाँ, क्योंकि हमारे बच्चों की संख्या थोड़ी कम हो गई है, हाँ मुझे लगता है, am I right? am I right बेटा? Yes, sir. हाँ तो हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं क्योंकि ज़्यादा बच्चे रहते हैं तो ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि जो डाउट भी होगा वो सारी क्लियरिटी आएगी। चलो ठीक है, इसका हम वीडियो भी बना दूंगा, उसी वीडियो से दिखा दूंगा। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी क्या है, चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम, आप इतना ही देखें, ओके बेटा, समझ लो बेटा। तो yes, sir. आज को हम यहीं वाइंड अप करेंगे बेटा, तो आज हमने जो पढ़ा आपको समझ में आया, फिर पॉइंट आज हमने बात किया टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात किया कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो प्रकार के हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, एपीसी सी बाय वाई,
इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। इसका टेबलर प्रेजेंटेशन हमने देखा, इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखा, समझ में आया बेटा ये। और इसके बाद हमने देखा कि एपीसी के इम्पॉर्टेंट जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं, कि एपीसी एक से ज़्यादा होता है, एपीसी एक के बराबर होता है, एपीसी लेस देन वन होता है, एपीसी जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाता है घटता जाता है, और एपीसी जीरो कभी भी नहीं होता है। इज इट ओके? विद दिस आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस क्लास। थैंक यू फॉर हैविंग लिसनिंग मी विद पेशन। ओके थैंक यू बेटा, बाय। सर थैंक यू सर। हाँ बोल बेटा। सर ये प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है? प्रवृत्ति, जैसे आप देखो एक इसको ऐसे समझो, एक जैसे मान लो कि रिक्शे वाला का बेटा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि रिक्शे वाले बेटे ऐसे होते हैं, प्लीज ये दिमाग बिल्कुल नहीं डालना कि गरीब ऐसे होते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जिसको मान लो कि 2 दिन से भूखा है, ऐसे सोचिए, रिक्शा वाला भी एक प्रोफेशन है, इसलिए उसको मैं बोलने से कहीं डिग्रेडेशन होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने देखा है रिक्शे वाले के बेटे को आईएएस बनते हुए, पंचर बनाने वाले बेटे को आईएएस बनते हुए देखा है, इसलिए मुझे बड़ा ही सम्मान आता है ऐसे लोगों के प्रति। तो मान लो कि व्यक्ति 2 दिन से भूखा है और एक व्यक्ति जिसके लाख रुपए इनकम है, तो मान लो सामने एक भोजन है या रसगुल्ला रख दिया गया या खाने का है चपाती रख दी गई, तो एक गरीब व्यक्ति जो के खाने की जो स्टाइल होगी और एक जो मर्सिडीज बेंज में चलने वाला जो व्यक्ति होगा उसके खाने की स्टाइल होगी या उसके खाने की जो टेंडेंसी होगी और उसको खाने की जो टेंडेंसी होगी, उसको खाने की जो खुशी मिलेगी और दूसरे वाले को जो खाने की खुशी मिलेगी, दोनों की खुशी बराबर होगी? आप बताइए। नो सर। यही है बेटा प्रोपेंसिटी, कि दोनों की प्रवृत्ति अलग होगी। इसे आप देखो, आपको पेरेंट्स सारी सुविधाएं दे रहे हैं, बच्चे क्लास बंक करते हैं, बच्चे क्लास में म्यूजिक सिस्टम चला देते हैं, लेकिन एक बच्चा जो किसी इसको स्कूल नहीं मिल रहा है, उसको क्लास अगर कोई टीचर पढ़ाए तो क्या वो इस तरह की हरकत करेगा? बताओ आप। नहीं सर। नहीं सर। यही है प्रोपेंसिटी बेटा, समझ गया? हम यहाँ पर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात कर रहे हैं, आर यू पॉइंट? यस सर। खाने की तीव्रता, रहने की जो स्टाइल है, सब में हर जगह वो मैटर करता है, वो ना कहीं कहीं ना कहीं एटीट्यूड की तरह आप समझ सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू सर।